अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ के पूर्वा अहिरान स्थित फर्नीचर गोदाम में देर रात भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। पुलिस के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट रही। दरअसल थाना कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित हुमा सेफ एंड फर्नीचर के नाम से शोरूम है, जबकि इस शोरूम का गोदाम पूर्वा अहिरान सरकारी स्कूल के ठीक पीछे है, जिसमें करीब 1:30 बजे स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देखा। इसकी इत्तला उन्होंने तुरंत गोदाम मालिक को दी। सूचना पर पहुंचे मालिक ने जब गोदाम खोलकर देखा तो पाया आग भड़क रही थी, जिसके बाद उसने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी भयंकर होने के चलते बुझने के बजाय और ज्यादा भड़क गई। शोरूम मालिक के मुताबिक 8 लाख का माल इस भयंकर आग में जलकर खाक हो चुका है। पुलिस आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बता रही है, जबकि गोदाम मालिक का कहना है कि उसने गोदाम और शोरूम में बेहतर वायरिंग के साथ शटडाउन की व्यवस्था की है। ऐसे में आग कैसे लग सकती है, देखिए मौके की तस्वीरें। तार बिजली कट जाओ, बिजली का तार बिजली का अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।